आखिरी इफ्तारी है इस रमज़ान की, अच्छा लगा. नथिंग इज़ बेटर देन वर्किंग यू नो सच फेस्टिवल्स. सैन भाई, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? लास्ट रमज़ान है आज, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप और क्या प्लान है कल के? कल के तो फिलहाल रात को डिसाइड करेंगे, क्योंकि थैंकफुली हमें छुट्टी मिल गई है कल की. तो हम, क्योंकि ईद ऑब्वियसली हमारे कम फेस्टिवल्स होते हैं और जब हैं तो ऑब्वियसली अब सेलिब्रेट करना बनता ही है. बट अच्छा ये है कि पूरी यूनिट के साथ आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन अ वे आखिरी रोज़ है और हैविंग फन यार. एक फीस्ट है जो लगी हुई पूरी टेबल पर, हैविंग गुड फन. प्रेम, आपसे जानना चाहूँगा, 30 दिन का अगर एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए, 30 दिन के रोज़े के बाद में कल ईद आने वाली है, क्या तैयारियाँ हैं आपकी ईद को लेकर? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जिन्होंने सारे रोज़े रखे उनकी तो असली ईद है. हम सारे रोज़े फॉलो कर नहीं पाए, बट जितने भी हुए, जितना कुछ भी हो पाया उस बस ईद आ रही है. कल देखते हैं कल क्या करेंगे. छुट्टी मिली, अब सोचेंगे कि कल करना क्या है. इट्स ऑल गोना बी विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइक फैमिली. जबरदस्ती लिया छीन के, जबरदस्ती छीन के छुट्टी ली है हमने. बताना चाहेंगे कोई हर साल जो ईद जिस तरीके से आप लोग मनाते हो? यार मोस्टली मैं ईद में ज़्यादातर दिल्ली होता हूँ, बट इस बार क्योंकि वर्क कमिटमेंट्स थे और तो जा नहीं पाया मैं, क्योंकि काम के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है. एंड मोस्टली मैं मेमोरी क्या मतलब यही था कि मैं यार सुबह सुबह जाता हूँ फैमिली के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, एंड उसका अलग माहौल होता है, यू नो दैट द पीस दैट यू गेट वो अलग होता है. तो आई थिंक एक बजे पूरे साल की थकान होती है वो दूर हो जाती है एक ही दिन में. सो इट्स लाइक दैट. मैं जो भी मुझसे मतलब कुछ महीने भी अगर मुझसे उम्र में बड़ा मिल गया मुझे, तो मैं सिर्फ उसे ईद ही ऐठती थी. हाँ बस सुना, मैं छोटा हूँ ना, इन्होंने बोला कि बड़ा अगर उम्र को मिल गया. उम्र में बड़े नहीं हो तुम, छोटा हो ना, तो तुम्हें मुझे ईद देनी चाहिए. अच्छा अच्छा अच्छा. कोई कोई ईदी से लेके कोई याद है, कोई बताना चाहे, कोई बचपन की या कोई कोई जैसे भी कोई ईद याद? मुझे एक बार मेरे चाचा ने नकली नोट दे दिए थे और बहुत सारे दिए थे, तो मैं खुश हुई थी कि अरे इस साल तो बहुत सारे पैसे दिए चाचा ने, पर वो नोट नकली थे बाद में पता चला. जैन भाई, आपकी क्या ईदी को लेके कोई याद है, कोई जो बताना चाहेंगे आप, या किसी से ईदी लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो? यार हमें तो 5 या 10 रुपये मिलते थे ईदी के, उसके बाद फिर हम लोग बड़े हो गए, बड़े नोट आने बाद में स्टार्ट हुए थे, तो हमें मिलते ही नहीं थे, छोटे नोट ही से हम लोग चलाते थे. और यू रिमेंबर कि हम लोग वही छोटे नोट, हम लोग जो खुशी मिलती थी ना एक 10-10 रुपये की, सारे कजन्स लाइन से लग जाते थे, 10-10 रुपये दे रहे थे सबको, तो वो एक अलग खुशी होती थी. हालांकि ज़्यादा कुछ खरीद नहीं सकते थे उससे, बट ये था कि एक क्योंकि एक रिवाज है, एक रिचुअल है वो. किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं आप लोग ईद की अगर बात की जाए तो? मेरी एक छोटी कजन थी तो मैं उसके साथ ट्विन करती थी हमेशा, हम एक जैसे कपड़े पहनते थे. सो बस यही कुछ यू नो छोटी मोटी स्वीट सी याद है, सिंपल सी. कितना शीर कुरमा पीते हैं आप लोग, खाते हैं ईद पर? आई थिंक वो ईद में ही बनता है ज़्यादातर शीर कुरमा और खीर और सेवैयाँ वगैरह जो होती है, तो आई थिंक उसका मज़ा उसी दिन खाने में है. अदरवाइज जब बनता है वो टेस्ट भी नहीं आता. सो ईद के दिन तो जो बनता है वो टेस्ट ही अलग होता है, वो अरोमा ही अलग होती है, खुशबू अलग होती है उसकी. सो कांट वेट फॉर टुमारो. यह एक्साइटेड फॉर टुमारो. जाते जाते एक विश दे दीजिए आपके दर्शकों को, जिनसे आप ईद की विश देना चाहें, जो आप बोलना चाहें उनसे. टीम फना की तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरी यूनिट की तरफ से, आप सबको ईद मुबारक.